पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों पंजाब विच प्रवेश करन वालियां खास करके दिल्ली या एनआन वाले लोकां नाल पैदा होण वाले खतरे दे मद्देनज़र 14 दिनां दे घरेलू एकांतवास नूं घट कीते जाण नूं रद्द कर देण तों बाद अज रात तों सूबे विच दाखल होण वाले सारे यात्रियों लई ई रजिस्ट्रेशन दी प्रक्रिया नूं लाजमी कर दिता। सरकार दे दिशा निर्देशां मुताबक यात्री अपने घरां तों आराम नाल ऑनलाइन स्वैर रजिस्ट्रेशन करवा सकदे अते अपने लई दिक्कत रहित यात्रा नूं यकीनी बना सकणगे। सड़की रस्ते पंजाब विच दाखल होण वाले या पंजाब विचों लंघण वाले यात्रियों नूं पंजाब सरकार वल्लों सख्ती नाल सलाह दित्ती गई है कि उह यात्रा शुरू करन या तां कोवा ऐप या वैब लिंक http://cova.punjab.government.in रजिस्ट्रेशन राही स्वैर रजिस्टर्ड। सी रजिस्ट्रेशन का मंतव चैकिंग वालियां थावां ते लंबियां कतारां या भीड़ भड़के कारण होण वालियां मुश्किलां तों यात्रियों नूं बचाउणा है। यात्रियों नूं हेठ दित्ते अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लई सलाह दित्ती जांदी है। खुद नूं अते साथी यात्रियों की रजिस्ट्रेशन दोवां विच किसे भी इक तरीके अनुसार पहली कोवा ऐप राही अपने स्मार्टफोन च एप्पल ऐप स्टोर या एंड्रॉयड प्ले स्टोर तों कोवा ऐप डाउनलोड करो। ऐप इंस्टॉल करो, मेन्यू तों पंजाब राही यात्री लई स्वैर रजिस्ट्रेशन नूं चुनो, पुछे गए सारे वेरवे भरो अते सबमिट बटन दबाओ। दूसरा वैबसाइट लिंक रा https://cova.punjab.government.in रजिस्ट्रेशन ते स्वैर रजिस्टर करो, पुछे गए सारे वेरवे भरो अते सबमिट बटन दबाओ। यात्रा तो पहला कोवा ऐप डाउनलोड अते इंस्टॉल करो। रजिस्ट्रेशन उपरंत मुढ़ले यात्रु नूं SMS राही कन्फर्मेशन लिंक प्राप्त होवेगा। प्रिंट लई लिंक ते क्लिक करो। QR कोड वाला प्रिंट A4 साइज दी शीट ते कड्डो। 4 या 3 पहिया वाहन लई प्रिंट शीशे या विंडो स्क्रीन ते खब्बे पासे चिपकाओ या डैशबोर्ड ते रखो। सीमा ते चैकिंग पॉइंटां ते स्टाफ वल्लों प्रिंट वाले QR कोड नूं स्कैन कीता जावे। इस उपरंत मेडिकल स्क्रीनिंग होवेगी। सफलतापूर्वक मेडिकल स्क्रीनिंग उपरंत प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी। कोविड के लक्षण सामने आने की सूरत विच सीमा चैकिंग पॉइंट से सेहत कर्म वालों यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन किया जाएगा। एक सरकारी बुलारे ने दसिया कि वह मुसाफिर जो सूबे विच प्रवेश कर रहे हैं और सिर्फ इतों गुजर नहीं रहे, उन्होंने चैकिंग पॉइंट सफलता नाल पार कर लैन तो बाद जिन्हों विच लक्षण ना मिले उन्होंने भी 24 दिनों लई अपने घरां विच स्वै एकांतवास रहना हो। एकांतवास दौरान उन्होंने अपनी सेहत संबंधी जानकारी विभाग नूं देनी पवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकॉम टीवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चोरी के मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है। हुण डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम का नाम भी मुलजमान की लिस्ट के शामिल कर लिया गया। भरोसेयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता लगा है कि दोषी प्रेमी ने यह जिक्र किया है कि उन्होंने द्वारा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के कहने उपर ही यह बेअदबी अंजाम दिता। इस तो पहला कातल और बलात्कार के दो वख-वख मामलों के पंचकुला की CBI अदालत ने राम रहीम 20 साल की सज़ा सुनाई थी। DIG रणबीर सिंह खट्टा की अगवाई में बनी SIT ने इस तो पहला शुक्रवार 3 जुलाई को डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इन्हों में दो ने पहला ही अदालत तो अगाऊ जमानत ली थी, जिस करके उन्होंने छोड़ दिया गया। शनिचरवार को बरगाड़ी SIT ने 5 मुलाजमान अदालत में पेश किया, जिस तो बाद सारे मुलजमान 2 दिन के रिमांड से भेज दिया। हुण सोमवार को जो पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद 5 मुलजमान मुड़ तो अदालत में पेश किया गया तो डेरा प्रेमियों को 14 दिन लिए जुडिशियल हिरासत में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।